हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं टॉक्समो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। यहाँ पे काफी सारे हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी देखने को मिल जाती है। ये है मिलगेट रोड के ऊपर हिसार में और ये नंद पेट्रोल पंप है, इसके सामने ये शोरूम है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, आप बढ़ते पेट्रोल के दामों से परेशान हैं तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपना सकते हैं, जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है और काफी ज्यादा चल भी रहा है। तो आइए जानते हैं इनके साथ। हेलो, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मयंक है और मैं हिसार से बिलोंग करता हूं, और जो मेरा ब्रांड है वो है टॉक्समो। इतने एक्सपेंसिव टाइम के अंदर पेट्रोल की इतनी कीमतों के साथ आजकल जो यंग जनरेशन का रुझान जो ईवी के ऊपर जा रहा है, तो ये टाइम के साथ साथ जिस हिसाब से यंग जनरेशन का रुझान बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से ईवी के अंदर आज के टाइम में अपग्रेडेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो जो मेरा मॉडल स्टार्ट हो जाता है वो सबसे इस मिनी स्कूटर के साथ स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है राइडर। ये हमारा 45,000 की रेंज से शुरू हो जाता है। सिंगल चार्जिंग में ये मॉडल आपको 40-45 किलोमीटर की रेंज देता है। कंपनी वारंटी इसमें एक साल की रहती है। ट्यूबलेस टायर होते हैं। 1000 वाट की मोटर के साथ होता है ये मॉडल। फिर सिंगल चार्ज के अंदर इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक इसमें हम 48 वोल्ट के अंदर रख सकते हैं और इसे 60 वोल्ट में रख सकते हैं। अगर हम इसे 48 वोल्ट में रखते हैं तो आपको 45-50 किलोमीटर की रेंज में रहता है, और अगर हम इसे 60 वोल्ट में चले जाते हैं तो 50-55 किलोमीटर की रेंज में रहता है। मतलब 12 वोल्ट की सिंगल बैटरी हम इसमें ऐड ऑन करते हैं तो ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर का वेरियंस हो जाता है। इसके बाद जो रहता है, इसमें दो कलर मिल जाते हैं ना? इसमें हमारे पास कलर वाइट है, ब्लैक है, स्पोर्ट्स येलो है और ब्लू कलर है। फिर हमारा ये मॉडल आया था राइनो प्लस। इसकी क्या प्राइसिंग रहती है राइनो प्लस की? इसकी प्राइसिंग रहती है 46,000 रुपीस। तो इसका जो बनावट है उसमें काफी प्रीमियम में समय देखने को मिल रही है। जी हाँ, इसका टायर साइज उससे कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है। ये प्रॉपर स्कूटी स्पेस में आ गई। इसमें अच्छा खासा आपको लेग स्पेस मिला हुआ है। मतलब कोई भी ये फैमिली पर्पज से इसे यूज़ करते हैं तो आगे अच्छा खासा आप सामान इसमें इजीली रख सकते हैं। बाकी डिस्क ब्रेक के साथ है, डिजिटल मीटर है इसमें। यहाँ भी मेरे ख्याल से कुछ ये एयर इनटेक का? ये सिर्फ एयर इनटेक के लिए। जी, ये काफी अच्छा डिजाइन है। जी, कलर ऑप्शंस इसमें भी काफी हैं। अच्छा, ये राइनो प्लस है और ये भी राइनो प्लस है। जी हाँ, अच्छे खासी ग्राफिक्स का भी यहाँ काफी अच्छा यूज करा गया है। बिल्कुल, तो मेरे को पर्सनली दोनों कलर काफी अच्छे लगे। ब्लैक वाला भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है। जी, दोनों। इसके बाद सर, ये जो आपके लास्ट में रोक लगाया हुआ है, काफी सॉलिड नाम देखने को मिल रहा है, इसमें क्या रहता है? ये नाम के साथ मॉडल भी काफ़ी सॉलिड है। इसकी जो परफॉर्मेंस है एक्चुअली वो भी काफ़ी अच्छी है। हमारी कुछ जगहों में स्पेशली रॉक की ही प्रेफरेंसेस रहती हैं। रॉक बहुत अच्छा बिकता है। रीज़न बीइंग कुछ इसका ऐसा है, जो कंपनी का एक माइंडसेट भी बना हुआ है और जो कस्टमर की तरफ से फीडबैक मिला है, काफ़ी रफ टफ मॉडल है। मतलब गांव के अपने रूरल एरियाज में भी जी कामयाब, मतलब उबड़ खाबड़ सड़कों में भी इसका जो एक फीडबैक रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। थोड़ा इसको नजदीक से देखते हैं, देखिए यहाँ भी इधर रॉक की वेजिंग करी है और टायर साइज भी जो आप देख पा रहे हैं काफी अच्छा और स्टर्डी लुक हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अलॉय व्हील्स भी आपको यहाँ पूरे प्रॉपर मिल रहे हैं और साथ में डिस्क ब्रेक है। काफी अच्छा एक स्टर्डीनेस हमें इस स्कूटर में देखने को मिल रही है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो वो कितनी रहती है वैसे? सर, ये 60 वोल्ट के अंदर रहता है। 60 वोल्ट के अंदर इसकी प्राइसिंग रहती है 53,000 रुपीस। जी, तो मेरे हिसाब से इसका 1 किलोमीटर का क्या चार्जेस रहता है? सर, इसका अगर हम निकालेंगे तो 1 किलोमीटर ये तो कुछ पैसे में निकल के आएगा। अच्छा। मतलब
ये इनकी अगर आप वोल्टेज की बात करें तो इनकी इतनी लो वोल्टेज होती है, लेट सपोज अगर आपके घर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है तो आप इसे इन्वर्टर पे भी चार्ज कर सकते हैं, मतलब इतनी लो वोल्टेज के अंदर है। तो ये काफी किफायती और सॉलिड भी है, चलने में भी सॉलिड है, लुक में भी अच्छा है और आपकी जेब पर भी बहुत नरम है, उस पर सॉलिड नहीं है। और यहाँ में एक स्कूटर और देखने को मिल रहा है, ये काफी डिजाइनदार, इसमें काफी लग्जरी इस स्कूटर में हमें देखने को मिली है। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि इसमें इतना चेंजेस करा हुआ है। सर ये मेरा टॉप एंड मॉडल है, 1500 वोल्ट की मोटर के साथ, ये हमारा 72 वोल्ट के अंदर है। टायर साइज इसमें सबसे बड़ा है जो कि अभी तक नहीं था। ब्रांडेड टायर मिलेंगे सारे आपको, अपोलो सीएट एमआरएफ के, कोई भी लोकल कंपनी का टायर नहीं मिलेगा। हाँ काफी अच्छा, यहाँ भी प्रॉपर एलईडी का जी यूज करा हुआ है। डुअल डिस्क ब्रेक में रहेगा ये, अगर आप इसका बूट स्पेस भी देखें तो बूट स्पेस भी बहुत अच्छा रहता है इसका। अरे वाह, बूट तो इसका बहुत अच्छा है जी, तो देखिए कितना सारा बूट स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है, आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में काफ़ी अच्छे से इसका प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो इसके जो ग्राफिक्स हैं, जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं हमें यहाँ देखने को मिले। पूरा प्रॉपर सारा एलईडी का सेटअप यहाँ देखने को मिल रहा है, ब्लिंकर्स हैं, जो साइड के रिफ्लेक्टर्स हैं, और काफी काम करा है कंपनी ने, बहुत प्रीमियम लेवल से एक कंपनी ने यहाँ पर लोगो दिया हुआ है। डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है, बहुत प्रीमियम स्कूटर है। तो इसकी क्या प्राइस रहती है? सर ये हमारा रहता है 72,000 रुपीस की रेंज में, सिंगल चार्ज के अंदर ये मॉडल 75-80 किलोमीटर की रेंज में रहता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने मयंक जी से पूरे ईवी स्कूटर के बारे में जानकारी ली कि इसकी क्या प्राइसिंग रहती है, क्या एंट्री लेवल स्कूटर का कितने से प्राइस शुरू हो जाता है, और काफ़ी अच्छी ब्रांड है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, रिकमेंडेड है, प्रीमियमनेस के हिसाब से स्कूटी ले सकते हो। जैसे मुझे पर्सनली ये राइडर स्कूटी बहुत अच्छी लगी, जैसे घर में बच्चे हैं छोटे, ट्यूशन जा रहे हैं तो अपना आराम से कर सकते हैं, और आप खुद पर्सनली अगर आपको थोड़ा सा स्टाइल और माचो लुक चाहिए तो ये ईवी भी आप ले सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नई वीडियोस में, बाय।